Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 11 December 2020. Subject English Grammar, Class 2, Book the Grammar Red Book, Chapter 15. My dear students, you are reading the chapter punctuation. We have punctuation chapter, paddhet, right? So, we will comma. Look at this sentence Tina reads, writes, draws, and plays in school. This is a long sentence that gives us a list of things that Tina does. Is this sentence correct? No. लेटेस्ट री राइट दिसर वेटेस्ट रिसेड अमा आफ्टर इच आइटम इन द लिस्ट ऑफ थिंग्स दीना ड लास्ट वर्ड नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि कोमा हम लोग कोमा को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस को पढ़िए क्या सेंटेंस है टीना रेड्स ड्रॉज एंड प्लेन स्कूल ये क्या एक लंबा सेंटेंस है और कि ये कुछ लिस्ट ऑफ थिंग्स है जो टीना करती है हर दिन स्कूल में राइट तो ये क्या सेंटेंस करेक्ट नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोमा इंसर्ट नहीं किया गया है जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से ये जो लिस्ट ऑफ थिंग्स के बीच में क्या होना चाहिए कोमा होना चाहिए और यहाँ पे कोमा को इंसर्ट नहीं किया गया है इस वजह से सेंटेंस क्या करेक्ट नहीं है ठीक है

लिस्ट ऑफ थिंग्स अगर हम लोग जब भी लिखते हैं उसके बीच कोमा लगाते हैं ठीक है तो आप कोमा के, के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे थैंक यू